गुड आफ्टरनून जयजीनेन्द्र। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मम्मी मौलिक दुग्गड। गुड आफ्टरनून मैम। जयजीनेन्द्र मैम। जयजीनेन्द्र। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आशी। यस मैम। पार्ट 14 छोटा जादूगर रीड करिए। यस मैम। मैम टुडे इज द रिटन टेस्ट ऑफ छोटा जादूगर। रिटन टेस्ट आज नहीं है बेटा, हम मैसेज आप लोगों को डालेंगे ठीक है। ओरल टेस्ट। यस मैम। मैम इन लास्ट 14 का मैम इन लास्ट क्या मैम इन लास्ट क्लास यू हैव सेड टुडे इज रिटन टेस्ट। रिटर्न नहीं हो पाएगा आज है ना, कुछ बच्चों ने तैयारी नहीं की है ठीक है। आशी पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा। पार्ट 14 छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में अनम्यूट करिए आशी। पढ़िए। यस मैम। पढ़िए बेटा। पार्ट 14 छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद को का कलनाद 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 हुआ है कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर मोटी सी सूट की रस्सी पड़ी थी और जब मैं टास के कुछ पत्तों को उसके पढ़िए आगे पढ़िए गले में क्या है पढ़िए जेब में टास के कुछ पत्ते पड़े थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ डर की रेखा थी। एक मिनट आशी अनम्यूट पढ़िए। आशी अनम्यूट करिए अपने आप को। पढ़िए बेटा। रस्सी पड़ी थी और जब मैं ताश के कुछ पत्ते थे जेब में ताश के कुछ पत्ते थे उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उसे पूछा क्यों जी तुमने इसमें क्यों देखा क्या देखा। गुड गुड बेटा आशी गुड। आ रहा हूँ रीड करिए अनम्यूट करिए। आ रहा हूँ
यस मैम। पढ़ना स्टार्टिंग से पढ़िए बेटा, स्टार्टिंग से पढ़िए। स्टार्टिंग ओके मैम। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गुज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटी फव्वारे के पास, जहां एक छोटी लड़की चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसकी गले में फट कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसके और ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं, मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। हो गया आरा, मैंने आरा गुड। विशेष अंजुर करिए, विशेष। यस मैम। बेटा आप कहीं बाहर गए थे क्या विशेष? हाँ मैम। कहाँ गए थे? हाँ मैम। कहाँ गए थे बेटा आप? मैम नानी घर गया था। अच्छा, तो आपने क्लास अटेंड नहीं किया वहाँ जाने के बाद? हाँ मैम, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। बेटा सुनिए ना, बहुत दिनों से क्लास अटेंड नहीं किया है, कोई मैसेज भी आपने नहीं किया है। जो भी बच्चा आप सेंड करता है वो मैसेज करेंगे कि किस कारण से वो नहीं अटेंड कर रहे क्लास, ठीक है? आपकी कॉपी कंप्लीट करिए और पीडीएफ बना के हमें सेंड करिए। आज okay, आज और कल दो दिन का टाइम आपको दिया गया है, तुरंत आप पूरा चैप्टर लिखिए और पीडीएफ बना के सेंड करिए हमें, ठीक है? अब आप सेंड और करोगे क्या? और कहीं जाना है आपको? नहीं जाओगे? बेटा रेगुलर क्लास अटेंड करना है ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तना है, पढ़ना स्टार्ट करिए। मैम कहाँ से? जहाँ पर आरा ने कंप्लीट किया है। मैम मैं अभी मैम देर से क्लास ज्वाइन किया। जहाँ पे आरा ने कंप्लीट किया है, पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 में सबसे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करिए, फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 105 में फर्स्ट लाइन। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। पढ़िए। मैंने पूछा और उस के पीछे क्या है? वही तुम गए थे? नहीं, वह मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं तुम्हें वही ले जाता हूँ। उसने कहा वह जादूगर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए, ठीक है? पढ़िए आगे, पढ़िए। मैंने उससे सामने होकर कही। आ रहा हूँ, क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ,
कहा तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचना सूरी हिला दिया। रहीम में मैं उससे पहुंच पूछा, तुम हो रे घर में कौन कौन है? मैं और बाबू जी। ठीक से बाबू जी क्लास में आ गए हैं, बुक रीड नहीं कर पा रहे हो बेटा, आप ठीक से रीड करिए ना। ओके जी। माँ और बाबूजी, जो पापा हैं उनको बाबूजी कहा जाता है, बाबूजी भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, पढ़िए आगे। खातिर जले में है और माँ बीमार है, लोगों के तमाशे दिखा, लोगों को तमाशा लिखा हुआ है, लोगों को तमाशा वो लिखा हुआ देख। मैं माँ की दवाई करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद की गेंद खाली नहीं गई। पढ़िए आगे। देखने वाले दूर रह गए, दंग रह गए, दंग लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए। देखने वाले दंग रह गए। उसने सारा खिलौने बटोर लिए। तनय ठीक से इसी चैप्टर को इसी पैराग्राफ को ठीक से आप पढ़िए, दोबारा आपसे पढ़वाया जाएगा, बिल्कुल आप अटकेंगे नहीं। ठीक है, अच्छे से रीड करिए बेटा। घर में आप लोग रीड करना छोड़ दिए हैं, है ना, इसलिए आप लोगों से नहीं बन रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शाश्वत अनम्यूट करिए। शाश्वत यस मैम, रीड करना स्टार्ट करिए, पढ़ना शुरू करिए। मैम कहाँ से? कहाँ से बेटा, आप क्लास में नहीं है क्या प्रेजेंट? मैम हूँ। फिर आपको मालूम होना चाहिए। मैम शुरू से देखिए, पेज नंबर 105 में देखिए, वह पक्का निशानेबाज था, खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। यहाँ से आपको रीड करना है। यस मैम, वह पक्का निशानेबाज था, खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने खिलौने बटन लिए। बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कह कर वह नौ दो ग्यारह हो गया। 9-2-11 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 9-2-11 का मतलब भाग जाना, चले जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं 9-2-11 होना। पढ़िए आगे। मैं घूम कर आया तो किसी ने अकस्मात ही तोले इंडोले पुकारा। इंडोले हिलोले इंडोले बेटा, हिलोले हिलो से पुकारा। बाबूजी मैंने पूछा
कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर। एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप लोग बुक रीड कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, तो जहाँ पे पूर्ण विराम लगा है वहाँ पे आप रुकेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है? मात्राओं का ध्यान देते हुए पढ़िए आप लोग। फिर से पढ़िए, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, वहां पर से पढ़िए। हाँ, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9:00-11:00 हो गया। घूम आया तो किसी ने अकस्मात ही तोले से फुकाला। अकस्मात लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए। अकस्मात ही तोले से हितोले से पुकारा, बाबूजी मैंने पूछा कौन है? गुड, मैं हूँ जादूगर। मैं हूँ छोटा जादूगर, है ना? मैं हूँ छोटा जादूगर। चलिए नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 106 निकालिए। यस मैम। पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा। हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आधी बाहों का कुलता, सील पर मैला रुमाल, सूत की रस्सी से बंधा था, मस्तानी चाल में झूमला हुआ कहने लगा। हुआ कहने लगा बाबूजी। यस। कहने लगा बाबूजी, कहिए तो खेल दिखाऊं? तभी मेली श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहने उस दिन। बेटा गुड गुड, है ना? ऐसे अच्छे से पढ़ना है, और घर में पढ़िए, ठीक है? घर में डेली आप पढ़िए वन वन पैराग्राफ, तो बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाओगे आप। यस मैम। वेरी गुड बेटा। जश अनम्यूट करिए। वीडियो ऑन करिए जश। जश अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट करिए, नहीं तो आपका एब्सेंट लग जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए जस। बुक निकालिए, बट आपसे बातें कर रहे हैं हम, कोई आंसर नहीं आ रहा आपका। आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है, खाली नाम आपका शो कर रहा है बस। अगर क्लास में आप प्रेजेंट हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए। एब्सेंट लगेगा आपका आज। योग पढ़ना स्टार्ट करिए। योग
अनम्यूट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए। यू वीडियो ऑन करिए। हम कहाँ से? वीडियो ऑन करिए। हम कहाँ से? कहाँ से मतलब क्या? कहाँ से चालू करूँ? क्यों बेटा, आप क्लास से प्रेजेंट है कि नहीं? पहले तो आप वीडियो ऑन करिए अपना, फिर आपसे बात करेंगे हम। कहाँ से चालू करूँ? पहले आप वीडियो ऑन करिए। ठीक है, अभी आप क्लास में आए क्या? अभी आपने ज्वाइन किया क्लास? यस मैम। क्यों? नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या? किस तरह से बातें कर रहे हैं आप? आपको मालूम है कि 12:15 को क्लास स्टार्ट होती है और अभी आप क्लास ज्वाइन किए हैं और आपसे जब पूछा जा रहा है कारण, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं पता। रिपोर्ट जाएगी मैडम के पास? कहाँ थे आप अभी तक? कहाँ थे आप? आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया स्टार्टिंग में? नहाने गया था। क्या बोल रहे हो? नहाने गया था। पढ़ना स्टार्ट करिए। पेज नंबर 106 निकालिए। पेज नंबर 106 निकाल करके हाथ में कारखाने की खादी, हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। पढ़ना स्टार्ट करिए। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूते की रस्सी पे बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहा तो खेल दिखाऊ। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलावो जी, भला कुछ तो मन भले। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू बनाने लगे, बिल्ली रुकने लगी, चिड़िया का बाया हुआ, दाश के सब पत्ते ब्याह लिखा हुआ है देख के अच्छे क्या हुआ। एक भी दाश के सब पत्ते पढ़ने में, दाश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लोटा लिखा हुआ है, लांग ओ की मात्रा लगा हुआ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करती आपको? घर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, है ना? बुक रीड करना नहीं आ रहा है आपको। लट्टू लिखा है, लट्टू लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे एक रुपया दे दिया, वह उछलने पड़ा। मैंने कहा, लड़के छोटा जादूकर कही है, यही मेरी माँ नाम, यही मेरा नाम है, इससे मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उतर दिया, माँ को अस्पताल से निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक मिनट फिर से पढ़िए। फिर एक दिन मैंने एक झोपड़ी के पास, फिर से रीड करिए। जितने बार आप गलत पढ़ेंगे उतने बार पढ़वाऊंगी मैं आपसे। ठीक से पढ़िए। फिर एक दिन मैंने
उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाल खड़े देखा। डाल डाल नहीं है, डाले में पत्ता होता है। डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल से निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो उस स्त्री चित्रों से लदी हुई काप रही थी। जो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं ना, बहुत ज्यादा कपड़ा फट जाता है, फटा पुराना जो कपड़ा पहना हुआ रहता है उसको चित्रों कहा जाता है। ठीक है, चलिए। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटे हुए कहा, माँ लिपटे नहीं लिखा। युग तुमको जल्दी किस चीज की है, कहीं जाना है आपको? लिपटते हुए कहा, माँ मेरी आंख में आंसू निकल पड़े। हो गया, गुड गुड, और अच्छे से पढ़ना है योग, बिल्कुल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और क्लास में जब आपका नाम आता है तो एक बार में आपको प्रेजेंट होना है। धैर्य, अनम्यूट करिए धैर्य। बाकी बच्चे हमेशा पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़वाया जा रहा है उन लोगों से आज। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो रीड करवाएंगे उनसे, है ना। अभी जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनसे पढ़वाया जा रहा है। धैर्य, अनम्यूट करिए बेटा। धैर्य जैन, अपना वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट करिए। क्लास में प्रेजेंट आप नहीं है लग रहा है। निष्ठा, क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है निष्ठा? मैम मेरा नाम रीनेम कर दोगे? हमें तो पता चल गया है ना निष्ठा हो आप करके। रीडिंग नहीं की थी। हाँ रीडिंग करवाएंगे ना बेटा, आप लोग हमेशा करते करके नहीं करवाया जा रहा है ना। बच्चे नहीं करते हैं उनसे नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग भी। किसी भी बच्चे को अचानक पढ़ने के लिए बोला जा सकता है इसलिए बुक में ध्यान से आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। हमेशा आप लोग पढ़ते हैं इसलिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं आज, और बच्चे पढ़ रहे हैं। विशेष रीड करिए, अनम्यूट करिए विशेष। अनम्यूट करिए। यस मैम। पढ़ना स्टार्ट करिए। मैम कहाँ से? कहाँ से? एक बात सुनिए आप लोग, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं और दूसरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि वो कहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आप लोगों से फिर पढ़ने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। कहाँ से का मतलब क्या होता है? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे अभी? आप क्या कर रहे थे बताइए? कुछ नहीं। तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब ध्यान क्यों नहीं दिए? पेज नंबर 106 में देखिए, बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। दिखा आपको? लास्ट का पैराग्राफ है, लास्ट का पैराग्राफ है। पढ़ना स्टार्ट करिए। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। इस चुके थे। एक मिनट, गलत पढ़ रहे हैं आप, फिर से पढ़िए। 10 बज चुके थे। दस बज चुके थे। मैंने स्टार्ट करिए, क्या लिखा हुआ है? क्लास वन की बच्ची है क्या बेटा? निर्मल धूप में सड़क
के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंग मचक देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुआ पूछा, आज खेल जमा नहीं। उसने विचल भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरे घड़ी समाप्त है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चल ले आए। उसने कहा, क्यों न आता। मोटर में बैठा कर मैं तुरंत उसके झोपड़े की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़े के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से वो निकल रहा गया। निकल कर बे बे शब्द, खाली बेटा नहीं बोल पाई हो, है ना, बेटा नहीं निकला, खाली बे शब्द निकला बेटा का, और डेथ हो गया, डेथ हो गई उनकी, देहांत हो गया उनका। इसके दुर्बल हाथ, दुर्बल हाथ उठा, उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपट कर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरी संसार जैसे जादू सा मेरा शो और मित्र करने लगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है ये, और आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर स्टार्टिंग में 21 बच्चे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो लास्ट में भी 21 ही प्रेजेंट मुझे दिखने चाहिए। जो बच्चा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिनका नाम नहीं दिख रहा है, उनका मैं एब्सेंट डाल देती हूँ आज, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जिन बच्चों का नाम नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग में दिखाई दिया है और अब नहीं दिख रहा है, वो चले गए हैं क्लास छोड़ के, है ना, तो उनका एब्सेंट लग जाएगा। एब्सेंट लगा रही हूँ उनका, जाइए आप लोग। और ध्यान से सुनिए, पार्ट 9 सुमन एक उपवन के और पार्ट 12 महादानी कर्ण दोनों का आपको शब्दार्थ पढ़ के आना है। दोनों पार्ट का शब्दार्थ पढ़ना है। जब ट्यूजडे को आपकी क्लास होगी, तो आप लोगों से ओरल भी पूछा जा सकता है या आप लोगों का टेस्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। पार्ट 9 सुमन एक उपवन के और पार्ट 12 महादानी कर्ण, ध्यान से, विशेष सोने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, शब्दार्थ पढ़ के आएंगे आप लोग, ठीक है, बाय।